नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है, चलिए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। व्यापम 2018 का प्रश्न है। पहला, डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में रिस्टोर हो सकती है, ठीक। दूसरा है, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है। तीसरा, किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद न हो। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपको पता होगा कि वह फाइल जो है या उससे संबंधित डेटा रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन से अगर उस डेटा को फिर से लेना है तो रिसाइकल बिन में जाकर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है रिस्टोर का, तो फिर से वह डेटा वहां पर रिस्टोर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में कहा गया है दोस्तों। तो डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है, पहला सही है। दूसरा, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकते हैं, तो डिस्क से रिस्टोर नहीं होता, यह रिसाइकल बिन से रिस्टोर होता है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद फाइल को बंद न किया गया हो। तो जैसे आप वर्ड में काम कर रहे हैं, अब किसी एक पैसेज को आप डिलीट कर दिए, ठीक, तो उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ओके, अंडू करके, ठीक, कंट्रोल जेड दबाकर। लेकिन अगर आप फाइल को ही बंद कर देंगे तो रिस्टोर नहीं हो सकता। तो इस संदर्भ में ये भी सही है। तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा, आंसर होगा क्या, बी। चलिए अगला प्रश्न, स्टोरेज मीडिया सीडी सूचनाओं को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग करता है। व्यापम 2015 का प्रश्न है। पहला, मैग्नेटिक डॉट्स। दूसरा, लाल रंग लेजर बीम। तीसरा, चुंबकीय स्ट्रिप्स। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और चूंकि इसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए, तो इसीलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। सीडी को याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। और सीडी में ही जो डेटा होते हैं, ठीक है, उन डेटा को पढ़ने के लिए लाल कलर के लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक, याद रखेगा। तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क में होता है। व्यापम 2018 का प्रश्न है। पहला, सिर्फ सर्कुलर ट्रैक। दूसरा, सिर्फ सेक्टर। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, याद रखेगा, ठीक। तो देखिए, जो फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक, एक जो है आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है इसके अंदर। पहली बात तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक डिस्क होता है। और ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ये जो है अलग अलग ट्रैक में बटा होता है, ये ट्रैक है। ट्रैक के बाद अलग अलग ये जो है सेक्टर में बटा होता है। ये क्या है दोस्तों, सेक्टर है। ये क्या है, सेक्टर है। तो सिर्फ ट्रैक और सिर्फ सेक्टर नहीं, ट्रैक और सेक्टर दोनों में बटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ का प्रयोग किया गया, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन भी क्या हैं, गलत है। अगर ये सिर्फ नहीं रहता तो आंसर होता आपका सी, ए और बी दोनों। क्योंकि ये नहीं है, सिर्फ लिखा है, तो आंसर होगा क्या, डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो देखिए, मेमोरी से डेटा जो एक्सेस किया जाता है, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल और दूसरा होता है डायरेक्ट। पहले को कहा जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरे को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस कहने का मतलब क्रमागत रूप से यहाँ से डेटा एक्सेस किए जाएंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस क्रम में होगा। और इस प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस आप पुराने समय में जब कैसेट आता था, ठीक है, तो वहाँ पर पांचवा गाना को सुनने के लिए
हमें चार गानों तक फॉरवर्ड करना पड़ता था दोस्तों। तो मैग्नेटिक टेप जो है ये, इसमें जो डेटा एक्सेस है मेमोरी से जो एक्सेस किया जाता है वो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, जबकि अदर जो सीडी डीवीडी में इसमें सिक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो आंसर होगा सी, मैग्नेटिक टेप। चलिए, सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस पूछा है इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक, अगला है, सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, व्यापम 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो सीडी रोम, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जब डेटा को डाला जाता है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों बर्निंग कहा जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। और सीडी से जब कोई डेटा मेमोरी में डाली जाती है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाली जाती है, तो इसे कहा जाता है रिपिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपिंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? ए, बर्निंग। बर्निंग प्रक्रिया में सीडी में डेटा को डाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करता है, व्यापम 2021 का प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क में सिक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों प्रकार की फैसिलिटी होती है, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? ठीक है, पहला है डीवीडी आरडब्ल्यू, दूसरा है डीवीडी आरओएम, ये आरडब्ल्यू है, ये आरओएम है, तीसरा है ब्लू रे, बीआरडी कहा जाता है, बीआरडी ब्लू रे डिस्क या बीडी कहा जाता है, और चौथा है आपका डीवीडी। तो देखिए, इन सब में सबसे ज़्यादा जो भंडारण क्षमता है वो बीआरडी की होती है, और इसकी कैपेसिटी स्टार्ट होती है 25 जीबी से 50 जीबी तक होती है। ठीक है, तो अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ब्लू रे कहा जाता है, बीडी। चलिए अगला प्रश्न। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? व्यापम 2017 का प्रश्न। तो पहला है आपका फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी लिखा है 144 MB, ये गलत है। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है 1.44 MB, याद रखिएगा। ओके, दूसरा है सीडी। ठीक है, तो सीडी की भंडारण क्षमता, देखिए गलत को पूछा है तो यही आपका आंसर होगा। सीडी की भंडारण क्षमता 700 MB, ये सही है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता 640 MB से 700 MB तक होती है। ठीक, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से डबल लेयर 8.7 GB तक होती है, और ब्लू रे का मैंने बताया 25 GB से 50 GB तक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको याद में रखना है, अगर अभी प्रश्न इनसे भी आ गया तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? व्यापम 2017 का प्रश्न। ऑप्टिकल ड्राइव कहने का मतलब जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क में डेटा को रीड करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है, लेजर से नहीं, रीड राइट हेड से करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। सीडी में और डीवीडी में रेड लेजर का प्रयोग किया जाता है, और मैंने बताया था जहाँ भी लेजर का प्रयोग किया जाता है इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो बी और सी दोनों आंसर है, तो डी आंसर में लिखा हुआ है क्या? डी विकल्प में बी और सी दोनों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही
OMR शीट में आपको गोला घेरना है। सिर्फ एक दो ऑप्शन को पढ़ के ही आप गोला घेरेंगे तो आप गलत बना सकते हैं, इसकी चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसको जो है बढ़ते क्रम में देखना है। तो देखिए, भंडारण क्षमता में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी होती है बिट, बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ठीक है, और यह होती है जीरो और या वन। बिट के बाद आता है दोस्तों निब्बल। तो एक निब्बल बराबर होता है चार बिट के बराबर, याद रखिएगा, या हाफ बाइट भी कह सकते हैं, हाफ बाइट भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बाइट, आठ बिट, आठ बिट बराबर होता है दोस्तों एक बाइट। बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट। ये बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पर पहला है बिट, सब में है बिट, बिट के बाद निब्बल, निब्बल इस तीनों में, तो ये कट जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका बाइट। ठीक है, तो इसमें बाइट है, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइट और उसके बाद टेराबाइट। तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा, पहला बिट, फिर ठीक है इस प्रकार से है, बिट फिर निब्बल फिर बाइट फिर टेराबाइट। ठीक है, आंसर होगा ए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित कर, कच्चा मतलब रॉ, कौन पूछा है रॉ और प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड ठीक है, डेटा को स्टोर करता है। तो जितने भी डेटा हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में। और ये मेमोरी को हम दो भागों में देखते हैं, पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो जितने भी डेटा हैं या तो प्राइमरी में रहेंगे या सेकेंडरी में रहेंगे, व्यापम 2017 का प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है, व्यापम 2021 का प्रश्न है। तो देखिए, सीडी और डीवीडी में दो प्रकार होते हैं, पहला सीडीआर और दूसरा सीडीआरडब्ल्यू। ऐसे ही डीवीडी, डीवीडी में भी दो होते हैं, दो प्रकार के डीवीडी आती है, ये भी पहला आर और दूसरा आरडब्ल्यू। आर का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल कहने का मतलब एक बार इसमें डेटा डाल लोड बर्निंग करने के बाद यहाँ से आप डेटा को इरेज, इरेज नहीं कर सकते। जबकि RW में क्या होता है, इसे कहा जाता है रीराइटेबल, रीराइटेबल, रीराइटेबल कहने का मतलब यहाँ एक बार डेटा डालने के बाद आप इसमें दूसरे डेटा को भी फिर से डाल सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, तो ये इरेजेबल होते हैं। तो देखिए, यही रीयूजेबल बोला है तो यहाँ पर CD होगा नहीं, CDRW इसका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, बी। चलिए अगला प्रश्न। वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता खाली स्थान कहलाता है, व्यापम 2017 का प्रश्न। तो देखिए, मैंने बताया कंप्यूटर की मेमोरी दो होती है, प्राइमरी, और प्राइमरी मेमोरी से ही कंप्यूटर या CPU सीधा संपर्क में होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों मेन मेमोरी। क्या कहा जाता है, इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत फिर आपका वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आता है, तो एक आता है आपका रैम और दूसरा आता है आपका रोम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, ए, मेन मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से
कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। पहला CDRW, CDR, CD RAM, BDRE, तो इसका आंसर होगा CDR। मैंने बताया था R मतलब होता है क्या, रिकॉर्डेबल। तो ये CSPSCL में देखिए, फिर क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 2019 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो आंसर होगा B। अगला, निम्नलिखित में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा है, व्यापम 2017 का प्रश्न है। पहला है DVD, DVD का 4.7 GB बताया था, ठीक। पेन ड्राइव, CD का 640 से 700 MB, ठीक। और अगला है आपका फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB। अब देखिए, पेन ड्राइव की कोई सीमाएं नहीं हैं, आजकल के पेन ड्राइव TV में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है, आपका पेन ड्राइव की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, व्यापम 2016 का प्रश्न। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों क्लस्टर। क्लस्टर कहा जाता है सिमिलर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, कहने का मतलब एक ही प्रकार के डेटा के समूह को क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D, क्लस्टर। चलिए अगला प्रश्न, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है, तो इसको भी जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे कम देखिए CD का होगा, CD तीन ऑप्शन में, CD के बाद DVD का होगा, DVD दो ऑप्शन में, ये दोनों कट गया, ठीक। उसके बाद ब्लू रे का होता है, उसके बाद HDD का होता है। तो देखिए CD का तो बता दिया 640 700 4.7 GB 25 से 50 GB। HVD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, HVD, ठीक है। और इसकी भंडारण क्षमता दोस्तों 6 TB तक होती है, ठीक है। तो आंसर होगा D, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। देखिए हार्ड डिस्क के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि उसका वर्जन कौन सा है। पुराने समय में जो आता था, तो यहाँ पर सबसे पहला एक प्रकार है आपका साटा। तो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक, साटा प्रकार है। दूसरा है पाटा, पाटा जो है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ये इनका जो प्रकार है ये पोर्ट के ऊपर रहता है, जो पिन लगे रहते हैं उसी आधार पर इसके प्रकार हैं। एक है आपका SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब इसमें जो है आपका, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रयोग किया जाता है, ठीक। शुरू में जो हार्ड डिस्क आते थे, और भी जो हार्ड डिस्क आते हैं, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता है। और ये जो SSD है ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, और इसमें जो है इसीलिए, ठीक, डिस्क का प्रयोग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार हैं, ये प्रकार SVD प्रकार नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जिप डिस्क की भंडारण क्षमता होती है। देखिए जिप डिस्क की भंडारण क्षमता जब ये स्टार्ट हुई थी तो इनिशियली जो है इसकी भंडारण क्षमता 100 MB की थी, याद रखिएगा। कितनी? 100 MB, जिप डिस्क है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर होगा ए, 100 MB, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, इसकी भंडारण क्षमता 144 MB होती है, गलत। भंडारण क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB, ठीक है। तो पहला असत्य है। दूसरा, इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये भी गलत है। ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता, क्या होता है दोस्तों बताया, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक। तीसरा, इसके अंदर डिस्क RPS की दर से घूमती है। तो देखिए इसके अंदर जो डिस्क है वो RPS नहीं, RPM, रोटेशन पर, M का है आपका मिनट, रोटेशन पर मिनट, ठीक, RPM की दर से घूमता है, ठीक है।
तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, इसको एक बार देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।